हेलो सो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह, फाउंडर एंड सीईओ इंडियन होम ट्यूटर .com। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000। जी हाँ दोस्तों, 30,000 रेंज के बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन लैपटॉप्स के बारे में तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे अब हम जानेंगे इन बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो फिफ्थ नंबर का लैपटॉप है वो है Asus VivoBook 15 मॉडल। दोस्तों अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको इंटेल सेलरॉन N4020 1.1 GHz बेस्ड प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 cores and 2 threads रहेंगे। साथ ही इसमें आपको 4 MB की कैश मेमोरी भी रहेगी। अब दोस्तों अगर हम इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इस पर आपको 4 GB की डिम DDR4 मेमोरी रहेगी, जिसका स्पीड रहेगा 2400 MHz का। और साथ ही इस पर आपको 256 GB की M2 स्लॉट बेस्ड SSD भी मिल जाएगी स्टोरेज के लिए। अब दोस्तों अगर हम इसके ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसके डिजाइन एंड बैटरी की बात करें तो इसकी डिजाइन 19.9 mm का थिन एंड नैनो एज बेजल बेस्ड डिजाइन रहता है और इस लैपटॉप का वेट है मात्र 1.8 kg का। और अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो इस पर आपको 2 cell लिथियम बैटरी मिल जाती है, जिसकी बैटरी लाइफ होती है 6 hours की। अब दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 25,990 rupees, यानी 25,990 रुपये। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर का लैपटॉप है इसमें मैंने आपको 2 laptops बताए हैं। अब दोस्तों जो फोर्थ नंबर में पहला लैपटॉप है वो है HP का 247G8 लैपटॉप। अब दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Athlon P3045B प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी स्पीड रहती है 2.3 GHz की। अब दोस्तों अगर हम इसके मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की DDR4 रैम और 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाती है, जिसका स्पीड रहेगा 5400 RPM का। अब दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एंटी ग्लेयर WLED डिस्प्ले होता है। अब दोस्तों अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके साथ आपको प्रीलोडेड विंडोज 11 होम एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको USB 3.2 जनरेशन का पोर्ट मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको USB Type-C 3.2 जनरेशन का मिल जाता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, और साथ ही इसमें आपको HDMI 1.4B केबल सोल्ड भी मिल जाता है सेपरेटली, और साथ ही इसके साथ साथ RJ45 का कनेक्टर भी आपको मिल जाता है, और इस पे आपको हेडफोन एंड माइक्रोफोन कॉम्बो जैक भी मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मात्र 28,598 रुपीज़, यानी 28,598 रुपये। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। अब फोर्थ नंबर में ही जो सेकंड लैपटॉप मैंने इस लिस्ट में लिया है वो है लेनोवो का V15 मॉडल। अब दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इस पर आपको इंटेल सेलरॉन N4020 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड रहेगी 1.1 GHz की और मैक्स स्पीड रहती है 2.8 GHz की। साथ ही इस पर आपको 2 cores and 4 MB की स्मार्ट कैश मेमोरी मिल जाती है। अब दोस्तों अगर हम इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4 GB DDR4 रैम मिल जाती है, साथ ही इस पर आपको स्टोरेज के लिए 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिल जाती है। अब दोस्तों अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको DOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है परचेसिंग टाइम पे, और बाद में आप इस पर विंडोज 11 या विंडोज 10 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए सूटेबल है वो आप मार्केट से इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि FSD एंड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होता है, और साथ ही इस पर आपको USB 2.0 USB 3.2 जनरेशन के USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, और साथ ही USB-C 3.2 जनरेशन का भी पोर्ट मिल जाता है, और साथ साथ आपको HDMI पोर्ट भी मिल जाता है एक, और साथ साथ इसमें ईथरनेट यानी कि लैन केबल लगाने के लिए भी RJ45 कनेक्टर भी मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5.5 hours का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है, और इस पर आपको ली पॉलीमर बैटरी भी मिल जाती है 38 वॉट की। अब दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें
तो इसकी प्राइस है मात्र 26,800 रुपीज, यानी 26,800 रुपए। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर का लैपटॉप है, एक्चुअली मैंने थर्ड नंबर पे दो लैपटॉप्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो थर्ड नंबर पे जो पहला लैपटॉप है वो है डेल का न्यू इंस्पिरॉन 3521 मॉडल। अब दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको इंटेल PQC N5030 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड है 1.10 GHz to 3.10 GHz। अब अगर हम इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB DDR4 रैम एंड 256GB SSD स्टोरेज के लिए मिल जाती है। अब अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच का HD AG नैरो बॉर्डर डिस्प्ले मिल जाता है। अब अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको प्रीलोडेड विंडोज 11 प्लस ऑफिस 2021 सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। अब अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 2 USB 3.2 जनरेशन पोर्ट, 1 USB 2.0 पोर्ट, 1 हेडफोन जैक, 1 HDMI 1.4 पोर्ट, साथ ही इसमें 1 M2 स्लॉट भी मिल जाता है SSD के लिए। अब अगर हम इसके वाईफाई एंड BT की बात करें तो इसमें आपको 802.11ac एंड 1x1 वाईफाई एंड ब्लूटूथ कॉम्बो कार्ड भी मिल जाता है। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 30,990 रुपीज़, यानी 30,990 रुपए। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों थर्ड नंबर में जो सेकंड लैपटॉप है वो है HP का 14S मॉडल। अब दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको इंटेल पेंटियम सिल्वर N6000 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड है अप टू 3.3 GHz की, और इसमें आपको 4 MB का L3 कैश एंड 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं। अब अगर हम इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB DDR4 रैम एंड स्टोरेज के लिए 256GB SSD मिल जाती है। अब दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले एंड ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है विथ HD Macro AZ एंड ब्राइट व्यू के साथ, और साथ ही इसमें आपको ग्राफिक्स के लिए इंटेल USB ग्राफिक्स मिल जाता है। अब अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें आपको विंडोज 11 होम 64 सिंगल लैंग्वेज मिल जाता है, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। अब अगर हम इसके पोर्ट्स एंड बैटरी की बात करें तो उसमें आपको 1 सुपर स्पीड USB Type-C 5 GBPS एंड सिंगलिंग रेट 2 सुपर स्पीड USB Type-A 5 GBPS का स्पीड मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको 1 हेडफोन एंड माइक्रोफोन कॉम्बो मिल जाता है, 1 AC स्मार्ट पिन एंड 1 HDMI पोर्ट 1.4B मिल जाता है। अब अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो उसमें आपको 3-cell 41 वाट का लियोन बैटरी मिल जाता है, और साथ ही इस पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है इसकी बैटरी के साथ, जो कि 45 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली 50% चार्ज हो जाती है। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 31,690 रुपीज़, यानी 31,690 रुपए। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर का लैपटॉप है वो है एसर का Inspire 3 मॉडल। अब दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको AMD Ryzen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो उसमें आपको 8GB रैम एंड 512GB SSD मिल जाती है। अब दोस्तों अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें आपको विंडोज 10 होम सॉफ्टवेयर मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी रहती ही है। और अब अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो उसमें आपको IEEE 802.11ac एंड 1 GB ईथरनेट पोर्ट, ब्लूटूथ 4.1, USB 2.0 पोर्ट एंड 2 USB 3.2 जनरेशन पोर्ट एंड 1 HDMI पोर्ट मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको 1 हेडफोन एंड स्पीकर जैक भी मिल जाता है कॉम्बो, और लैन केबल के लिए RJ45 कनेक्टर भी मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 33,990 रुपीज़, यानी 33,990 रुपये। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर का लैपटॉप है वो है लेनोवो का IdeaPad 3 मॉडल। अब दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको कोर i3 10 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी स्पीड रहती है 2.1 GHz की, साथ ही इसमें आपको 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, साथ ही इसमें आपको 4 MB की कैश मेमोरी भी मिल जाती है। अब अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको
15.6 इंच का FHD डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1080 विथ एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ। अब दोस्तों अगर हम इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB की DDR4 रैम प्लस 1TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है। अब अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो उसमें आपको विंडोज 11 होम 64-bit एंड ऑफिस होम स्टूडेंट 2021 प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। साथ ही इसमें आपको एक्सबॉक्स गेम पास भी मिल जाता है 3 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। अब अगर हम इसके ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाता है। अब अगर हम इसके डिजाइन एंड वेट की बात करें तो इसमें आपको 1.99 cm थिन एंड 1.7 kg का लाइट वेट ये लैपटॉप रहता है। अब अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 45 वॉट की बैटरी रहती है, जिसकी बैटरी लाइफ रहती है अप टू 8 आवर्स की। और इसमें आपको रैपिड चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि 1 आवर्स में ये 80% तक चार्ज हो जाता है। और साथ ही इसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी भी रहती है। अब दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 32,990 रुपीज़, यानी 32,990 रुपये। तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये लैपटॉप पसंद आए होंगे। सो गाइस, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।